इसमें बीफ की क्वांटिटी मुलाहिज़ा कीजिए। ये सैलेड का अलग स्टॉल है और रायता सैलेड ये सब बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। मुझे इन्होंने बताया है कि 14 से 15 देंगे इनकी रोज़ बीफ पुलाव की सिर्फ निकलती है और इतनी नरम है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खुर्रम अली है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज हम जा रहे हैं सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर बीफ बनू बीफ पुलाव खाने। अच्छा, हम जा रहे हैं तरनौल। तरनौल इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। ये एक छोटा सा टाउन है GD रोड पर और यहाँ पर बनू बीफ पुलाव, मलंग जान बनू बीफ पुलाव मिलता है। ये इनकी स्पेशलिटी है। काफ़ी और डिशेज भी हैं इनके पास लेकिन बीफ पुलाव इनकी स्पेशलिटी है। आज से तकरीबन समझे 2014 में कुछ 4-5 नौजवान बनू KP से यहाँ पर आए और वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहते थे। तो जनाब उन्होंने 5 KG बीफ पुलाव से शुरू किया और आज दिन में 15 से 20 देगे उनकी बिक रही है। मलंग जान बनू बीफ पुलाव की सबसे ख़ास बात यह है जो मैंने लोगों से सुना है, मेरे बेटे ने मुझे बताया और बहुत से यहाँ के मेरे लोगों जानने वालों ने बताया कि चावलों से ज़्यादा इनकी बीफ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है पुलाव में। तो जस्ट इमेजिन, और बहुत ही टेंडर होता है इनका मीट। तो जाके हम भी चेक करते हैं, आज देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है या क्या है। तो इस वक्त हम श्रीनगर हाईवे पर हैं और हम स्ट्रेट जाएंगे अब तरनौल टू मलंग जान बनू बीफ पुलाव खाने। आपको एक और बात बता दूँ, इस्लामाबाद में बहुत से सेक्टर्स में इस नाम से आउटलेट्स खुले हुए लेकिन वो ज़्यादातर फेक है। ये इनके कज़न हैं, ये जेन्युइन है जहाँ हम जा रहे हैं। तो चले फिर चलते हैं मलंग जान बनू बीफ पुलाव तरनौल GD रोड। डेडिकेटेड पार्किंग, पूरी पार्किंग एरिया इनकी है, पार्किंग लॉट है या इनके लोग उसको मैनेज करते हैं। अगर 95 रुपीज़ पार्किंग फी है बट इट्स ऑलराइट एज लॉन्ग एज योर कार इज सेफ वी पार्क। मुझे इन्होंने बताया है कि 14 से 15 देंगे इनकी रोज़ बीफ पुलाव की सिर्फ निकलती है। इसके अलावा दूसरा जो डिशेज है वो अलग है और 15 गायें रोज़ ये ज़बह करते हैं, 15 गाय 15 काउज अ डे और तकरीबन 1500 KG बीफ कंज्यूम होता है रोज़। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीफ पुलाव फैक्ट्री है मलिक जान। तो अब इसका ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, फिर आपको हम बताएंगे चख के। काफ़ी अच्छा है, मैं आपको इसकी स्टॉल दिखाता हूँ डिफरेंट। इन्होंने सलाद का भी अलग इंतज़ाम किया हुआ है और डेजर्ट भी अलग है। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जर्दा है, ये हलवा है, ये गाजर का हलवा है, ये रबड़ी टाइप है। ये सैलेड का अलग स्टॉल है और रायता सैलेड ये सब बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। दे आर रनिंग इट लाइक प्रोफेशनल्स आई एम अफ्रेड, और बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनाइज है। तो मेरा ख्याल है वो हमें इशारे कर रहे हैं ऑर्डर आ गया है, तो अभी हम चलते हैं खाते हैं फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं। इसमें बीफ की क्वांटिटी मुलाहिज़ा कीजिए। एक बाकायदा सिस्टम है, इनके वेटर्स लाइन में खड़े होते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके में अपने ऑर्डर लेकर जाते हैं और कस्टमर्स को सर्व करते हैं।
क्वांटिटी देखे मीट की। मुझे बताया इन्होंने कि 25 केजी चावल में 50 केजी बीफ ये यूज करते हैं। ये इनका फैमिली एरिया है जहां आके बैठे और हम ऑर्डर करेंगे। सबसे मज़ेदार इनका और सबसे मशहूर आइटम यही है बीफ पुलाव। तो ये हमने मंगवाया 1 किलो और फिर ज़रदा भी इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत तारीफ सुनी है, तो ज़रदा भी मंगवाया है 1/2 प्लेट। तो लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर। बीफ पुलाव और ये ज़रदा, इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी इन्होंने गोश्त काफ़ी उसमें डाला है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने गोश्त दिया, आप देख सकते हैं बोटियाँ ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत टेस्टी है। और कुछ चाहिए सर? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो बोटी है ना इतनी टेंडर है और इतनी नरम है, बहुत मज़ेदार है। ये ज़रदा भी इसका बहुत अच्छा है लेकिन इट्स नोवेयर नियर बीफ पुलाव। इसके अंदर कुछ इन्होंने ड्राई फ्रूट्स या कुछ उस तरह की गाजर वगैरह नहीं डाली है जो कि डालनी चाहिए, बट इट्स ओके। जी तो फिर कैसा लगा आपको फूड रिव्यू मलंग जान? श्योर आपको आपने पसंद किया होगा और इसे ज़रूर जाएं, ट्राई करें एक दफ़ा, बहुत अच्छी क्वालिटी है गोश्त की भी, राइस की भी। इनके अपने एनिमल्स भी होते हैं, ये अपने जानवर ख़ुद यहाँ पर पालते हैं और उनको फिर ज़बह करते हैं, और चावल वगैरह की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियोज़ को जिस तरह आप करते हैं सपोर्ट, इसी तरह सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बाहर निकलें, घूमें फिरें, वेकेशंस मनाएं, दिस इज़ लाइफ, दुनिया को एक्सप्लोर करें। अल्लाह ताला की जो ये एक अतिया है, जो एक हमें एक गिफ्ट है ये दुनिया, इसको घूमें, एक्सप्लोर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी। और हम दोबारा जीटी रोड पर आ गए और यहाँ की बिल्कुल पागल दीवाना ट्रैफिक में ग्रैंड ट्रंक रोड ऑन वे टू इस्लामाबाद।